हेलो फ्रेंड, आज मैं आप लोगों से शेयर कर रही हूँ एक फ्राइड राइस रेसिपी। और ये बनाना भी बहुत ही आसान है और खाने में बहुत ही टेस्टी लगते हैं। तो चलिए फ्रेंड, देखते हैं कि इसे बनाना कैसे है। ये बच्चों और बड़ों सबको पसंद आने वाली है, तो चलिए हम बनाना शुरू करते हैं। तो मैंने यहाँ पे चावल लिए हैं और इसे मैंने अच्छे से वॉश कर लिया है और मैंने इसे भिगो कर रख दिया था 20 मिनट के लिए। आप भिगो कर इसे छोड़ दें, चावल अच्छे से फूल जाए। तो यहाँ पे मैंने कुछ मसाले लिए हैं जिसको मैं चावल में डालकर उसे मैं बनाऊँगी। तो ये है थोड़े से मसाले और ये है देसी घी, तो मैं इसमें देसी घी डालूंगी। तो चलिए चावल हम पहले बना लेते हैं। तो मैंने कुकर रख दिया, इसमें मैं 3 चम्मच और देसी घी डालूंगी और जब ये गर्म हो जाए तो इसमें हम मसाले जो निकाले थोड़े से हम डाल दें। आप बिना मसाले के भी चावल बना सकते हैं, इससे डालने से का फ्लेवर बहुत ही बढ़िया आता है। तो आप मसाले देख लिए होंगे कि ये थोड़े से हमने मसाले इसमें ऐड किए हैं, आप देख लीजिए। दालचीनी, जावित्री, थोड़ी सी जीरा, 2 ठेले लौंग, छोटी इलायची, इसको डाल के जब आप चावल बनाते हो तो चावल में बहुत अच्छा सा फ्लेवर आता है। तो इसलिए मैं ये सब डालकर इसमें अब मैं चावल को डाल दूंगी और इसे 1 मिनट तक मैं भूनूंगी, उसके बाद इसमें हम पानी ऐड करेंगे। तो मैंने यहाँ पे नॉर्मल चावल लिया जो डेली यूज में हम खाते हैं। अगर आप बासमती चावल से बनाना चाहें तो ये और भी अच्छे बनते हैं, तो आप उससे भी बना सकते हैं। या फिर आप बचे हुए चावल से भी, दिन के बने हुए बचे हुए चावल से भी फ्राइड राइस बना सकते हैं और ये बहुत ही बढ़िया लगता है। तो चलिए पहले हम यहाँ पे चावल बना लेते हैं, उसके बाद हम आगे चलते हैं। तो यहाँ पे मैंने पानी ऐड कर दिया है, अब इसके हम कुकर को बंद कर देंगे और 1 सीटी लगा लेंगे। आप अपने हिसाब से पानी डालें, आपने जितना चावल लिया होगा उस हिसाब से आप कर लीजिएगा। तो चलिए अब हम अंडे की तैयारी कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम सारे अंडे को पहले फोड़ लेंगे। तो हम पहले सारों अंडों को फोड़ लेंगे अच्छे से। मैंने यहाँ पे 8 अंडे लिए हैं जिसकी मैं भुज्जी बनाऊंगी। आपको जितना लेना है आप उस हिसाब से ले लीजिए। और इसके बाद अब इसमें हम ऐड करेंगे काली मिर्च का पाउडर। ये भी आप अपने अंदाज से डालें। और अब इसमें हम डालेंगे नमक, नमक भी आप स्वादानुसार डालें। और सब डाल के हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो चलिए अब हम इसकी भुज्जी बना लेते हैं। तो मैंने कढ़ाई में ऑयल डाल दिया है, ऑयल जब अच्छे, अब इसमें हमने जो अंडे घोल के रखे हैं ये हम डाल देंगे। इसे डालकर हमें अच्छे से मिक्स करके अंडे की भुज्जी बना लेनी है। और मैं यहाँ पे प्लेन अंडे की भुज्जी बना रही हूँ बिना मिर्चे प्याज के। अगर आप चाहते हो तो आप प्याज मिर्चा फ्राई करके भी अंडे की भुज्जी बना सकते हैं, और मैं यहाँ पे बिना प्याज के बना रही हूँ। तो ये देखिए, इसको आप, ये बहुत ही जल्दी बनके तैयार हो जाता है। तो इसको आपको 1-2 मिनट तक इस तरीके से हिलाते हुए फ्राई करते रहना है। फ्रेंड, अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आती हो तो लाइक ज़रूर करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। और जो मेरी वीडियो पहली बार देख रहा हो, जो मेरे चैनल पे पहली बार आया है, वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और विथ बेल आइकन, जिससे कि मेरी आने वाली नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले और आप मेरी वीडियो सबसे पहले देख पाओ। तो चलते हैं फ्रेंड। तो ये आप देख रहे होंगे बातों ही बातों में बहुत ही अच्छे से अंडे की भुज्जी बनकर तैयार हो गई है। ऐसे हमें खूब अच्छे से फ्राई कर लेना है।
ये देखिए फ्रेंड, अंडे की भुर्जी बहुत अच्छे से बन गई है। अब हम गैस ऑफ करके इसे हम निकाल लेते हैं। तो ये देखिए मैंने इसे प्लेट में निकाल दिया है। चलते हैं अब हम चावल की तरफ, देखते हैं कि हमारे चावल कैसे बने हैं। तो ये देखिए मैंने इसका प्रेशर निकाल दिया, ये आप देख पा रहे होंगे चावल बहुत ही खिले खिले बहुत ही अच्छे बने और इसकी खुशबू भी बहुत बढ़िया आ रही है। तो चलते हैं अब हम इसे फ्राई कर लेते हैं। तो मैंने कढ़ाई में ऑयल डाल दिया है, ऑयल जब अच्छे से गर्म हो जाए तब इसमें हम डालेंगे थोड़े से कटे लहसुन और इसे हमें हल्का सा फ्राई कर लेना है। और उसके बाद हम डालेंगे इसमें एक बड़ा कटा प्याज और इसे डाल के हम उसको गोल्डन ब्राउन कर लेंगे। हमें बहुत ज़्यादा नहीं करना है, बस इसका कच्चापन निकल जाए उतना ही फ्राई करना है। ये देखिए मेरे हल्के गोल्डन प्याज हो चुके हैं। अब इसमें हम डाल देंगे बीन्स। तो अब मैं यहाँ पे बीन्स इसे भी हम डालकर और ये थोड़ी सी हरी मिर्च डाल दिया मैंने, डालकर हम इसे एक मिनट के लिए फ्राई कर लेंगे। और आप चाहे तो इसमें और भी सब्जियां डाल सकते हैं, जैसे शिमला मिर्च, गाजर, जो आपकी पसंद हो। तो अब हम इसमें डालते हैं नमक। नमक आप अपने स्वादानुसार। अब ये सब डालकर हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसे मैं ढककर एक मिनट के लिए छोड़ दूंगी ताकि ये सब अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। तो ये देखिए एक मिनट हो चुके हैं और ये सब्जियां अच्छे से गल चुकी हैं। अब इसमें हम मिलाएंगे थोड़ा सा सोया सॉस। अब इसमें हम दो बड़े चम्मच सोया सॉस डालेंगे और इसे डाल के हम मिक्स कर लेते हैं। अब इसमें हम डालेंगे एक चम्मच विनेगर, इसे हमें ज़्यादा नहीं डालना है, एक बड़ा चम्मच हम डालेंगे। और अगर आपके पास सेजवान सॉस हो तो आप उसको भी इसमें दो चम्मच ऐड कर सकते हैं, उससे स्वाद बहुत ही बढ़िया आता है। तो अब हम मिलाएंगे इसमें चावल। अब इसमें हम डालकर अच्छे से मिक्स कर लेंगे और जब आप चावल बनाएं तो उसे आप निकाल कर रख दें कुछ देर के लिए, चावल अच्छे से ठंडे हो जाए तब आप इसमें बनाएं, तब ये अलग अलग और खिले खिले बनेंगे। तो ये देखिए मैंने इसे अच्छे से मिक्स कर लिया है, आप देख पा रहे होंगे कि कलर भी बहुत ही बढ़िया, देखने से एकदम कलरफुल लग रहा है। और अब इसमें हम मिलाएंगे ये अंडे की भुर्जी, से डालकर हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है और इसे हमें सिर्फ एक या दो मिनट के लिए ही मिक्स करना है। और नमक मैंने अंडे की भुर्जी और सब्जियां पकाते समय दोनों में डाला है, इसलिए मैं चावल में नहीं ऐड कर रही। ये देखिए फ्रेंड मेरी एक फ्राइड राइस बनकर तैयार हो गई है। गैस मैंने ऑफ कर दिया। अब हम ऊपर से थोड़ी सी धनिया पत्ती डाल देंगे और इसे डालकर हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। तो फ्रेंड ये एक फ्राइड राइस बनाना बहुत ही आसान है और बहुत ही टेस्टी है। तो फ्रेंड अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो इसे शेयर भी ज़रूर करें। फ्रेंड आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको एक फ्राइड राइस की रेसिपी कैसी लगी। तो फ्रेंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।